आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। सो यू क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर। सो अगर ये एक कनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो फ्रेंड्स आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें ये बता रखा है कि फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और हमें ये बता रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 30 पे प्लेस्ड है, यानी हमें ये पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, क्योंकि आर इज इक्वल टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ से 2 × 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से पता लगा कि एट सी है, फोकल लेंथ जो हमें गिवन है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हमें ये कनकेव बता रखा है तो हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, नेचर, पोजिशन, यानी 4 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो इमेज बनेगी उसकी। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ से लेंस फॉर्मूला यूज़ करके वी कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस ऑफ माइनस 1/30 विल बी प्लस 1/30 इज इक्वल टू माइनस 1/15। यहाँ से फ्रेंड्स 1/v विल बी इक्वल टू माइनस 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम क्या आ जाएगा, 30, और न्यूमरेटर में माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 3/30। सो ऑन कैंसिलेशन वी गेट बी इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमें इमेज ऑब्टेन होगी वो कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो 15 है, हमारी इमेज 10 पर आ रही है, तो हमने इमेज की पोजिशन निकाल दी 10 सेंटीमीटर। अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी बाय यू। सो वी है हमारा माइनस 10, यू है हमारा माइनस 30, यानी 1/3। तो यानी पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब जो हमारी इमेज है वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि मैग्नीफिकेशन यूज़ करके हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। सो हमें दिख रहा है कि 1/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 3 होगी, यानी जो इमेज है वो कैसी आएगी, डिमिनिश्ड आएगी, छोटी इमेज आएगी। सो फ्रेंड्स एक इमेज ऑब्टेन होगी 10 सेंटीमीटर पे, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस। उसका नेचर क्या होगा कि वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, और उसका साइज क्या होगा, वो डिमिनिश्ड होगी। सो होप इट हेल्प्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।